हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज चल रहे हैं जी आप लोग मेरे साथ मेरे ट्रैवल व्लॉग पे, जो कि हमारी फ़्लाइट थी लंदन से न्यू जर्सी की, जर्सी सिटी। अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स वगैरह से मिलने के लिए प्लान बनाया मैंने, तो मैंने उसके साथ साथ सारी आप सबके लिए ये वीडियो कैप्चर्स की हैं जो मैंने व्लॉग बनाया है। मैंने कहा आप लोगों को भी थोड़ा सा भी ट्रैवल करवा दें, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी स्टक हैं, बहुत कंट्रीज़ में अभी भी बैन है। अल्लाह ताला ये मुश्किल का टाइम सारी दुनिया से ख़त्म करे और सबके लिए आसानियां करे। चूँकि ट्रैवलिंग इजी नहीं है कोरोना के टाइम पे, इसीलिए काफ़ी चीज़ें थी जो हमने पहले पूरी की हैं, लाइक कोविड टेस्ट थे पहले हुए हैं, उनकी बुकिंग वगैरह थी। लेकिन शुक्र है कि यूके से अमेरिका जो है वो एम्बर लिस्ट में है, इसलिए मेरी दोनों वैक्सीन हो चुकी हुई हैं, तो मुझे आने के बाद क्वारंटीन भी नहीं करना पड़ेगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे टेस्ट तो होंगे आने के बाद, लेकिन क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं होगी मुझे। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम था, 5:30 बजे का टाइम है, ऑलमोस्ट 5:30। तो ये लंदन सिटी का सारा टूर भी हो गया, तो ये मैंने कैप्चर किया कि मेरे व्यूअर्स को भी सुबह सुबह ज़रा लंदन सिटी की सैर करवा दी जाए। ये देखिए जी, ये फेमस ट्रफाल्गर स्क्वायर है लंदन का, क्योंकि हम लोग इसी रूट से गए थे, एयरपोर्ट हीथ्रो एयरपोर्ट जाना था हमें। सो वहाँ जाने के लिए फिर ये पूरा राउंड लगता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पूरी सिटी आती है, बकिंघम पैलेस आता है, ये भी लाइब्रेरी है इनकी, रॉयल लाइब्रेरी, एंड देन ये रोड पूरी ऑल द वे बकिंघम पैलेस तक जाती है। देखिए ये रेड कारपेट रोड है सारी, और ये सारा इनका वो है, रॉयल गार्डन्स हैं इर्द गिर्द। मौसम बड़ा अच्छा था, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही यहाँ पे एक तूफ़ानी बारिश हुई थी, जो कि मैंने आप सबको वीडियो में दिखाई थी। ये नीचे बकिंघम पैलेस आ गया, ये है जी बकिंघम पैलेस, ये भी इनके कासल्स में से एक है, रॉयल कासल्स में से। यहाँ पे ऑफिशियली आते हैं, यहाँ पे इनकी सेरेमनीज़ होती हैं, बट मोस्टली ये लोग रहते हुए विंडसर कासल में हैं, क्वीन वगैरह वहाँ पर रहती हैं। तो ये है जी लंदन सिटी मॉर्निंग टाइम पे, बहुत मज़े का मौसम था। सो आई होप कि आप सब लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो यू विल गेट द न्यू नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय व्लॉग्स। क्योंकि अभी और आगे बहुत ही मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं न्यूयॉर्क सिटी के, एंड जर्सी सिटी, एंड यूएसए। जितना मुझसे कैप्चर होगा आई विल कैप्चर इंशाल्लाह। एंड दिस इज़ हैरड्स, यूरोप का सबसे बड़ा स्टोर। यहाँ पे लग्जरी ब्रांड्स एंड लग्जरी हर एक चीज़ आपको मिल सकती है। सो जी हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, टर्मिनल 2 पे, ये हमारा लगेज से सब कुछ। एंड शुक्र है कि थोड़ी सी एयरपोर्ट पे लोग नज़र आए, थोड़ी सी रौनक नज़र आई है, नहीं तो वहाँ पे खड़े हुए लोग भी कहते थे कि यहाँ पे तो एक से दो तीन लोगों से ज़्यादा कोई लोग नज़र नहीं आते थे। हमें किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किसी ने लगाई, क्योंकि हमारे ऑलरेडी सब टेस्ट वगैरह डन थे। सो जस्ट हमने चेक इन करवा लिया था जाते ही, क्योंकि उसके बाद हम लोग बिल्कुल फ्री थे, थोड़ा हमारे पास फ्री टाइम था। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह किया कोस्टा से, एंड देन हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद ऑलमोस्ट 9 o'clock हम लोग सिक्योरिटी गेट से अंदर चले गए थे, क्योंकि अगर आप टाइम से पहुंच जाएं तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है हर चीज़ के लिए, और साथ मेरे साथ बच्चे थे दोनों, तो दैट्स व्हाई अब हम सिक्योरिटी पास करके अंदर आ चुके हुए हैं यहाँ पे। तो ये है जी लाउंज हीथ्रो का, टर्मिनल 2 का अंदर से लाउंज है सारा। गेट काफ़ी दूर था, बट स्टिल एफर्ट करनी पड़ी थोड़ी सी।
काफ़ी बिजी था मॉर्निंग में। पहले हमेशा हम लोग ट्रैवल करते थे बीए पे, ब्रिटिश एयरवेज पे और अमेरिकन पे ही ट्रैवल किया था, मगर ये फ़र्स्ट टाइम है हमने यूनाइटेड एयरलाइंस पे ट्रैवल किया था, क्योंकि टिकट काफ़ी जल्दी में कराई थी तो इसलिए ये वाली सबसे अच्छी सूटेबिलिटी में मिल गई थी। सो दैट्स व्हाई सूटेबल डेट्स में भी मिल गई थी। तो मगर ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यूनाइटेड एयरलाइन का। वेरी स्मूथ एयरलाइन, लैंडिंग, टेक ऑफ और ओवरऑल सर्विस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। हमारी प्रीमियम इकोनॉमी में थी सीट्स, वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल। आई रेकमेंड कि यूनाइटेड एयरलाइन, अगर किसी ने यूके से अमेरिका ट्रैवल करना है तो यू शुड ट्राई, क्योंकि फ़्लाइट माशाल्लाह से ऑलमोस्ट 6:30 में यह कंप्लीट हो गई थी। हम लोग वहाँ टाइम से पहले पहुँच गए थे और यहाँ से एग्जैक्ट टाइम पे हम लोगों ने टेक ऑफ किया था। ये देखें जी, ड्यूटी फ्री है, ड्यूटी फ्री पे लगी थी सेल्स। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा गेट काफ़ी दूर था, 31 नंबर का गेट था, तो बहुत 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 दूर चल के जाना पड़ा। उसके बाद ऐसे इन्होंने ये रखे हुए हैं सीट्स के लिए कि साथ साथ ना बैठें। एंड दिस इज़ मी। अब हम प्लेन में जा रहे थे सो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स से हेलो कर दूँ। ये देखें जी, बस इट्स टाइम टू गो इन अ प्लेन। और जी, हम प्लेन में आ चुके हैं। इनका ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स रियली वेरी यूनिक। आई थिंक बाकी एयरलाइंस में भी होगा, मगर मुझे मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखा कि इनकी विंडोज़ पे ये इस तरह से बटन लगा हुआ है एंड देन यू कैन एडजस्ट इट। ऐसा ग्लास है जो कि खुद ही डिम हो जाता है, खुद ही डार्क हो जाता है। इस बटन के साथ आप इसको प्रेस करें एंड देन खुद ही ब्राइट हो जाएगा। इसके आगे शेड नहीं है कि हम शेड डाउन कर दें एंड बाहर से लाइट ना आए। आप जस्ट ये बटन प्रेस करें एंड ये खुद ही डार्क हो जाता है और खुद ही ये ब्राइट हो जाता है। वेरी नाइस, वेरी यूनिक, आई रियली लाइक इट। ये देखिए जी, ये ब्राइट हो गया। हमें सीट मिली थी बिल्कुल जो विंग के ऊपर। सो इस तरह से ये बीए के जा रहे हैं, बाकी लुफ्तांसा एंड सारे ओवरऑल प्लेन्स, क्योंकि हीथ्रो इज़ अ बिग एयरपोर्ट, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है जिसके 5 टर्मिनल्स हैं। ओह गॉड। सो ये हैं हम अपने मिडल ऑफ द ट्रैवल। ये अटलांटिक ओशन के ऊपर है। यहाँ पे प्लेन बहुत ही ज़्यादा हाइट पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा, 42,000 feet जो कि एक्सट्रीम हाइट है, उस पे चला जाता है और उस पे ट्रैवल हो रहा होता है। आप देख लें कि बादल भी, क्लाउड्स भी नीचे हैं, बहुत इतनी ऊंची होता है क्योंकि ये ओशन है और इसके पानी में काफ़ी वो मैग्नेटिक कोई पावर्स हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर से स्पेशली जब भी प्लेन गुजरता है तो उसको पायलट्स काफ़ी हाइट पे ले जाते हैं। सो जी, अब लैंडिंग का टाइम है। ये लैंडिंग से पैलेस के जोन से हैं, वो मंजर देख रहे हैं आप, ऑलमोस्ट अब हम नीचे आ चुके हुए थे। डाउन डाउन डाउन, सो ऑलमोस्ट मैंने तो 3 साल के बाद ट्रैवल किया है एंड इट्स रियली वेरी गुड कि आपका थोड़ा सा इस तरह से चेंज आना चाहिए। आई होप कि जो लोग बेचारे अभी इतने ही कर पा रहे हैं, जो स्टक हैं, उनके लिए भी ये बेटर हो जाए सिचुएशंस और हर कोई नॉर्मली अपनों से मिल सके और इस तरह से थोड़ा सा इन्जॉय कर सकें।
ये देखें जी, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं। 12:33 का टाइम था, बहुत आधा घंटा अर्ली फ्लाइट वहाँ पे पहुँच चुकी थी। सो ये जस्ट लैंडिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे बिकॉज बिजी था काफ़ी एयरपोर्ट, काफ़ी फ्लाइट्स आई होंगी, दैट्स व्हाई ऊपर ही घूमते रहते हैं जब तक उनको वो सिग्नल्स नहीं आते कि आप यू आर रेडी टू लैंडिंग। यूके टू यूएसए नॉर्मली जो फ़्लाइट्स आती हैं वो यही होती हैं, क्योंकि इस दफ़ा मैंने सिलेक्ट किया था न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, जो कि हम लोग मेरे मॉम डैड जो हैं वो जर्सी सिटी में रहते हैं, सो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट जर्सी सिटी में था। जबकि हमेशा मैं JFK चूज़ करती थी, JFK हम आते थे वो न्यूयॉर्क में था, न्यूयॉर्क से आते 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 काफ़ी 1 or 2 hours लग जाते थे घर, सो ऑल द वे टू न्यूयॉर्क टू न्यू जर्सी आना पड़ता था। बट दिस टाइम हमें बिल्कुल भी वो नहीं हुआ प्रॉब्लम, एयरपोर्ट पे गए हैं और थोड़ी सी उन्होंने वो चेकिंग वगैरह की है एंड देन वी आर ऑल सेट। ये देखें जी, इस तरह से अब विंग्स रेडी कर रहे हैं वो लैंडिंग के लिए। इस तरह से न्यूयॉर्क में मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं यहाँ पे कभी नहीं आई थी पहले, बट इट्स रियली गुड, इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये देखें जी, और वैसे भी घर के करीब था तो इतने ट्रैवल के बाद बस दिल करता जल्दी जल्दी से घर पहुँच जाएँ और जाके थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि मेरी बेटी है तो उसके साथ मुझे थोड़ा सा हार्ड टाइम मिला फ्लाइट में। बच्चे तंग करते ही हैं, बच्चों के लिए डिफरेंट होता है ट्रैवल, सो जब से वो बॉर्न नहीं है उसका इस तरह की, मतलब 3 years में काफ़ी बच्चे को नो हाउ होती है, तो उसका फर्स्ट टाइम था। बेटे को तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वो तो माशाल्लाह जब से 1 महीने का था तब से ट्रैवलिंग करने लगा हुआ है, सो सब बच्चे डिफरेंट होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच के खैर खैरियत से। बस ऑलमोस्ट लैंड करने ही लगे थे कि ये लैंडिंग हो गई है, बहुत स्मूथली, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी। ज़रा भी हार्श लैंडिंग नहीं की पायलट ने, बहुत अच्छी फ्लाइट थी, बहुत अच्छी। मुझे फ़्लाइट में काफ़ी सिकनेस होती है क्योंकि मेरा ट्रैवल सिकनेस है, लेकिन दिस टाइम मेरा बेटा भी हैरान हो रहा था कि मामा इट वाज वेरी स्मूथ एंड नाइस फ्लाइट्स, दैट्स व्हाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो ये था जी हमारा लंदन से यूएसए का जो जर्सी सिटी का व्लॉग, सो मैंने आपके लिए कैप्चर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ व्हेन यू वॉच दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन प्लीज़। कमेंट करें, मुझे बताएं कैसा लगा आपको। हम लोग बाहर आ चुके हुए थे अपना लगेज लेके एंड देन वहाँ पे आके अपने पेरेंट्स से मिली, बहुत खुशी हुई, बच्चों को भी बहुत खुशी हुई, बिल्कुल जो इतने सालों के बाद मिलने में बहुत ही बहुत बहुत बता नहीं सकता वो इंसान। सो ये है जी जर्सी सिटी, वी आर हेडिंग टू होम नाउ, ऑलमोस्ट 20 minutes लगते हैं, 30 minutes घर आने में इस एयरपोर्ट से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये घर के करीब था, ये यूनाइटेड एयरलाइन का सारा, दिस इज इट। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, सो
I'm saying it to you again, please press the bell icon button and do subscribe my channel. Subscribe करेंगे तभी आपके पास मेरे मज़े मज़े के अमेरिका के व्लॉग्स जाएंगे और मेरी जो भी जितनी भी शेयरिंग होगी सब आप देख सकेंगे और उससे आप भी इंजॉय करेंगे. आई होप कि आप सब लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे. जो जो मेरे से कैप्चर होगा एंड मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सो लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड एंजॉय करें. ज़िंदगी इसी का नाम है, खुशियाँ बांटें और खुश रहें. और ये जी हम अपने घर जा रहे हैं, अब रास्ते में हैं, वी आर ऑन द वे. गर्मी थी अमेरिका में क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है तो गर्मी थी. लंदन का वेदर डिफरेंट है, वहाँ पे बारिश भी हुई थी लेकिन वीक अगो वहाँ पे इतनी हीट थी, इतनी गर्मी पड़ी कि जिसका कोई वो नहीं है. टॉप की हीट वेव थी यूके में जिस वीक में ईद थी. सो ये है जी मेरा छोटा सा व्लॉग, आपको अच्छा लगा होगा. अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.